Welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. Today I discuss with you Bank Reconciliation Statement from T.S. Grewal book. और आज हम करेंगे question number 7 on examine the bank statement of Green Limited as it found that the balance show on 31st March 2019 differ from the bank balance of 23,650 shown in the cash book on that date. From the details comparison of the entries, it is found that point number 1, 2,860 is entered in cash book as paid into bank on 31st March 2019 but not credited by the bank until the following date. मतलब यह है कि 2860 रुपए का जो हमने entered किया है cash book में 31 मार्च को, लेकिन अभी तक उसको बैंक के द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है अपनी कैश बुक में. बैंक चार्जेस 70 ऑन 31st मार्च 2019 आर नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, जो कि अभी तक इंटर्ड नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है कैश बुक से. ए बिल ऑफ 5500 डिस्काउंट विद द बैंक इज इंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्ज 270 रुपीज़. तो यहाँ पे हमने इसका रिकॉर्डिंग किया था लेकिन डिस्काउंट चार्ज की रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारा कैश बुक से माइनस हो जाएगा. चेक टोटलिंग 16,720 वेर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31st मार्च 2019 बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर द डेट. तो अमाउंट है 16,720 का जो कि इशू हुआ है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आएगा प्लस में ये 16,720 रुपीज़ का. ऑन 25 मार्च 2019 ए डेटर पेड 1,000 इनटू कंपनी बैंक इन सेटल ऑफ हिज अकाउंट बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस. तो 1,000 रुपीज़ का यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश बुक को प्लस करना होगा. नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th मार्च 2019 ऑफ ए चेक ऑफ 550 रिसीव्ड फ्रॉम रामबाबू. रामबाबू से एक पैसा था जो मिलना था लेकिन अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है और चेक डिसऑनर हो गया है, इस कंडीशन में हमें अपनी कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा. तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का. बैलेंस एज पर कैश बुक 23,650 रुपीज़, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने प्लस आइटम में. चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक. चेक हमने डिपॉजिट किया है लेकिन अभी तक उसको कैश बुक में एंट्री नहीं की है उसकी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है पासबुक और कैश बुक में. तो डिफरेंस बराबर लाने के लिए हमें क्या करना है, इसको माइनस करना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारा है बैंक चार्जेस नॉट इंटर्ड इन कैश बुक. बैंक चार्जेस को हमने अपनी कैश बुक में अभी तक इंटर नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वल लाना है पासबुक और कैश बुक को. नेक्स्ट है बैंक चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. जो बैंक चार्जेस थे उसका जो अमाउंट था डिस्काउंट वाला, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है अपनी कैश बुक में, तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या करेंगे, हम इसको हमको माइनस करना पड़ेगा. नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू तो हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, तो 16,720 रुपीज़ को प्रेजेंट करेंगे और ये हमारा प्लस आइटम हो जाएगा. नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर. किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा किए हैं 1,000 रुपीज़, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बैंक कैश बुक में, और कैश बुक में उसको किस साइड लाएंगे, प्लस साइड में. अब टोटल कर लेते हैं, अभी एक अमाउंट और है चेक डिसऑनर. चेक एक डिसऑनर हुआ है 550 रुपीज़ का, तो उसका हमें अमाउंट क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा अपनी कैश बुक से. टोटल की बात करें अगर प्लस की, तो टोटल अमाउंट जो होगा वो 41,370 रुपीज़ होगा, और इस तरफ का टोटल जो अमाउंट है उससे माइनस करेंगे इन चारों से, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा 37,620 रुपीज़, जो कि बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑन 31st मार्च 2019 कैश बुक ऑफ ए फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ 36,000 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस है. चेक हैड बीन इशूड फॉर 30,000 आउट ऑफ विच चेक ऑफ 24,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. देखिए चेक हमने जो इशू किया था 30,000 का, उसमें से सिर्फ 24,000 का अभी तक प्रेजेंट हुआ है, मतलब 6,000 का अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसको हमें क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा. नेक्स्ट है चेक ऑफ 8,400 वेयर डिस्पोजिटेड इन बैंक ऑफ 28th मार्च 2019 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाई बैंक. ऑल्सो ए चेक ऑफ 3,000 इंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30th मार्च 2019 वॉज बैंक्ड ऑन 3rd अप्रैल. तो 8,400 रुपये का एक चेक था जो कि अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, और एक 3,000 का था, तो दोनों मिला के हो जाएगा 11,400, जिसको हम करेंगे माइनस.
नेक्स्ट है चेक फ्रॉम सुरेश ऑफ फॉर 2400 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 26 मार्च 2019 वॉर डिसऑनर्ड एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। तो यहाँ पे एक चेक है सुरेश से जो कि 2400 रुपए का है, वो बैंक में डिपॉजिट होना था 26 को, लेकिन वो डिसऑनर हो गया है और इसको जो एडवाइस हमें रिसीव्ड हुई है वो 2 अप्रैल को हुई है। तो यहाँ पे क्या करना, कैशबुक को माइनस करना पड़ेगा। पासबुक शो बैंक चार्जेस 120 डेबिट बाय द बैंक, बैंक के द्वारा 120 रुपए का एक चार्ज है जो काटा गया है हमारे अकाउंट से, तो हमें क्या करना है, कैशबुक को माइनस करना पड़ेगा। वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3000 इन बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 26 मार्च, बट द इंटीमेशन इन द रिस्पेक्ट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2 अप्रैल। तो ये क्या है, एक टाइमिंग डिफरेंस है और किसी ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए थे तो हमारा कैशबुक में अभी आया हुआ है, तो उसको हम अपने कैशबुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक अमाउंटिंग ₹36,000, जिसको रिकॉर्ड करेंगे प्लस आइटम में। ऑप्शन नंबर 1 था इसका, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, वो है 30,000 माइनस 24,000। ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया था लेकिन अभी इसमें से सिर्फ इतना ही प्रेजेंट हुआ, तो डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, 6,000 रुपीज़, जिसको हम प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड बाई बैंक, चेक तो हमने डिपॉजिट किया था, कितने कितने का, 2 चेक किया था, एक 8,400 का और एक 3,000 रुपये का, टोटल 11,400 का चेक था जो डिपॉजिट था लेकिन अभी तक बैंक के द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो ये अमाउंट हमारा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश डिसऑनर, जो चेक हमने सुरेश से रिसीव किया था वो डिसऑनर हो गया है, तो यहाँ पे हमने कैशबुक में रिकॉर्डिंग कर रखी थी इसकी, लेकिन अब ये चूंकि डिसऑनर हो गया है तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। बैंक चार्ज डेबिट बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काटे हैं तो हमें अपनी कैशबुक को भी क्या करना होगा, कम करना होगा। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक बाय ए डेटर, एक डेटर है जिसने हमारे खाते में डायरेक्ट पैसे जमा किए, तो अभी क्या है, हमारा पासबुक तो प्लस हो गया है लेकिन कैशबुक में कोई चेंजेस नहीं, तो कैशबुक को भी क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो यहाँ पर 3,000 रुपीज़ आपका प्लस हो जाएगा। अब टोटलिंग की बात करें तो जो प्लस आइटम का जो टोटल है उसको टोटल करेंगे तो आएगा 45,000 रुपीज़। इस 45,000 रुपीज़ से ऊपर के ये तीनों अमाउंट माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा 31,080 रुपीज़, जो कि हमारा होगा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो बेस्ड था क्वेश्चन नंबर 7 और 8, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक। तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, ये टोटल जो क्वेश्चन थे वो यहीं पे कवर हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसका डिस्कशन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक सो मच।